नेक्स्ट प्रश्न है सातवें का ए, दिया गया है हमें e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस, और ये क्रम कब तक है, e की पावर x की पावर 5, हम इसे y के बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर और ये क्रम e की पावर x की पावर 5 तक है, तो dy by dx बराबर क्या हो गया, दोनों पक्षों में अवकलन किया dy by dx निकालने के लिए, तो dy by dx कितना हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x पहले पद का हो गया प्लस, दूसरे पद को देखें, e की पावर x का e की पावर x होता है, x स्क्वायर का चेन रूल के अनुसार हमें दोबारा से अवकलन करना होगा, e की पावर x का e की पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर का दोबारा से अवकलन किया 2x प्लस, अब क्या आएगा e की पावर 3x, e की पावर 3x का e की पावर x क्यूब, तो e की पावर x क्यूब का क्या हो जाएगा, e की पावर x क्यूब, और x क्यूब का दोबारा से करना है कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगला देखें, अगला पद होगा e की पावर x की पावर 4, e की पावर x की पावर 4, x की पावर 4 का दोबारा से अवकलन किया 4x क्यूब, क्योंकि x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 ये dy by dx का मान होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। अब आएगा e की पावर x की पावर 5, कितना हो जाएगा e की पावर x की पावर 5 और x की पावर 5 का दोबारा से अवकलन करना है 5 x की पावर 4, ये हमारा dy by dx का मान है, व्यवस्थित कर लें, e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3 प्लस 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5, dy by dx का मान है। अगला देखते हैं, प्रश्न 7b है, हमें दिया गया फलन है अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, जबकि x ग्रेटर देन 0 है, x एक धनात्मक संख्या है, हम इसे y के बराबर मान लेते हैं। अब देखो, हमें इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, रूट का मतलब होता है जबकि पावर 1/2 हो, इसलिए y का मान हो गया e की पावर अंडर रूट x की पावर 1/2, हमने इस अंडर रूट को सरल कर लिया, मान कितना हो गया, पावर 1/2 हो गया, e की पावर रूट x की पावर 1/2। अब हम दोनों पक्षों में लघुगणक लेते हैं ताकि अवकलन आसान हो जाए, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लघुगणक लेने पर लॉग वाई बराबर हो जाएगा, लॉग का नियम क्या कहता है, जो पावर है वो गुणा में आ जाती है, 1/2 लॉग e की पावर अंडर रूट एक्स, लॉग का क्या नियम है कि लॉग m की पावर n टू द बेस a, n log m टू द बेस a होता है, जो पावर होती है वो यहां गुणा में आ जाती है, जैसा कि हमने पिछले कई प्रश्नों में देखा है। अब हम जानते हैं कि यदि हम आधार नहीं लिख रहे हैं तो आधार e है, अर्थात यहां भी आधार e है और यहां भी आधार e है, उन्हें अब हम इसको देखते हैं, ये मान क्या है, यहां स्पष्ट है कि ये पुनः m की पावर n का रूप है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट x log e बेस e, जो घात है वो गुणा में आ गई, अंडर रूट x यहां आ गया, log e बेस e रह गया, और हम जानते हैं कि log e बेस e 1 के बराबर होता है, ये मान 1 होता है, अर्थात हमने क्या प्राप्त कर लिया, अंडर रूट एक्स 2, ये हमें मिल गया।
अब हमारा अवकलन आसान हो गया, दोनों पक्षों में अवकलन किया तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, वन अपॉन टू ऐसा आ गया, अंडर रूट एक्स का हम जानते हैं वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ये अवकलन होता है। मान कितना आ गया, एक बटा चार अंडर रूट एक्स। वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, डीवाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो दिस इंप्लाइज डीवाई बाई डी एक्स बराबर वाई अर्थात अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू वन अपॉन फोर अंडर रूट एक्स, ये हमें मिलता है। अब यदि हम इसे मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स से और डिवाइड भी कर दें अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स से, तो हम क्या देख पाते हैं कि मान कितना हो गया, यहां अंश में तो है ई की पावर अंडर रूट एक्स का अंडर रूट इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स का अंडर रूट, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये मान कितना हो जाएगा e की पावर अंडर रूट एक्स, ये रूट हट गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा, अंश में हमें ये मिला और हर में हमें क्या मिलता है फोर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये हमें हर में मिलता है। तो इस प्रकार ये हमारा dy by dx का अभिष्ट मान है।